ओम शांति। आज हम आपको मनमोहिनी दीदी जी के बारे में बताएंगे। जैसे मम्मा के बारे में सभी कहते हैं कि मम्मा बहुत शांत चित, निर्भय, अचल डोल, मिलनसार, हर्षित मुख, ऐसे ही हमारे दीदी भी थे। मनमोहिनी दीदी सदा निर्भय, निडर और निश्चिंत, बाबा के ऊपर और मुरली के ऊपर, बाबा की विशेषताओं पर, वाणी के ऊपर पक्का निश्चय। दीदी कभी भी किसी भी बात में भयभीत नहीं होते थे। आज हम जल्दी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, कोई किसी को बात बोल देते हैं तब हम डर जाते हैं, सोचते रहते हैं। लेकिन दीदी की ये विशेषता थी, बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था, इसलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थिति आई उसमें सदा ही निश्चिंत रहे, बाप के ऊपर, अपने ऊपर कभी भी क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं आया। सदा प्रसन्न चित रही, कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं देते थे, हमेशा हर्षित मुख। दीदी सभी को सखी स्नेह देकर बाबा का बना देते थे। उनसे सखी स्नेह में ज्ञान की गहरी गहरी रूहान करती। दीदी कहते सहेली नहीं बनाना, सखी बनाना। सहेलियां आपस में प्रचिंतन करती हैं और सखियां ज्ञान की चिट चैट करती हैं। तो ऐसे हमें दीदी की जो मुरली, जो महावाक्य, जो बोल अपने जीवन में धारण करने हैं और दूसरों को भी कराने हैं। शिक्षा देने की अलौकिक विधि। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय कभी नहीं लेते थे। अगर कोई किसी की कंप्लेन भी करता तो उसी समय उनके सामने उसे ही बुला करके ऐसा फैसला करती और जिसे जो शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे ही देते और प्यार भी बहुत करते और उनके गुण, जो विशेषता, उनके सामने भी रखते। दीदी से जो भी दृष्टि लेते उनको वैकुंठ का शास्त्रकार हो जाता था। ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति, ऐसा अभ्यास था जो नज़र से निहाल ही कर देते थे। जैसे कहते हैं ना, नज़र से निहाल की दस स्वामी सदगुरु हर आत्मा को तृप्त कर देते थे। जैसे बाबा के सामने जाते थे तो बाबा के सामने कोई भी, पहले तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, तो जब ऐसे ही जैसे ही हम बाबा के सामने जाते तो ऐसे ही दीदी के सामने जाते तो हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। परखने और निर्णय करने की शक्ति वे नंबर वन थे। दीदी की बुद्धि इतनी स्पष्ट, स्वच्छ और स्पष्ट थी, जो सामने कैसी भी आत्मा आए उसे फौरन परख कर लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूर्ण करते। दीदी और दीदी जैसे माँ की पालना देते, जैसे उन्हें बाबा का बना देते, ऐसे दृष्टि देते जैसे वो बाबा का ही बन जाते, बाबा का ही गुणगान करते। दीदी की बात करने का टैक्ट ऐसा था जो कोई भी वीआईपी आता वो रेगुलर बन जाता, चाहे वो साधारण, चाहे वो बड़ा आदमी, तो हमेशा क्लास भी करता और सेवा भी करता। इतने गुण, इतनी शक्तियाँ थे। दीदी नम्रचित और गीत है, आत्मा तुम हो आत्मा आपस में भाई भाई। दीदी ये गीत गुनगुनाते बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई, नहीं कभी अहंकार में नहीं आना, हट नहीं करना, कभी गलती नहीं, गलती की है तो उसका सुधार भी करना। ऐसे दीदी हमें ऐसे सिखाते थे।
और किसी भी बात में भयभीत नहीं होना, ड्रामा पर पूरा निश्चय, अचल और अडोल। फिर बाबा की शक्तियों का अटूट विश्वास था और सदा निर्भय, अचल अडोल। यज्ञ के सामने कितनी भी परिस्थितियाँ आए लेकिन फिर भी वो अचल अडोल रहे, कभी भी डरे नहीं क्यों होगा, कैसे होगा, है ना, ऐसे कैसे। तो कभी भी प्रश्न भी मन में नहीं आया दीदी के सामने, तो सदा ही वो प्रसन्नचित रहे। फिर कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं दिए, तो हमेशा सबको आगे बढ़ाते, पालना देते, आगे बढ़ने की शिक्षा देते। ऐसे थे हमारे दीदी, हमेशा कहते बाबा पर पूरा विश्वास, यज्ञ पर पूरा विश्वास, यज्ञ की पालना कैसे करनी, रिस्पेक्ट, इतना बच्चों को आगे बढ़ाते। तो जैसे गीत है, प्रभु तुमको पाकर हमने सब कुछ पा लिया और जिंदगी खिल गई, अब हमें कुछ पाने की चाहत नहीं। तो दीदी के मन में भी यही था, भी प्रभु को पा लिया तो सब कुछ पा लिया और कुछ पाने की चाहत नहीं। हमें दीदी और मम्मा और बाबा की तरह, जो बाबा के अंदर विशेषता थी हमारे सामने, तो फिर भी कोई ना कोई एग्जाम्पल है, लेकिन इनके सामने कौन था, ये आगे कैसे बढ़े। निश्चय, नशा और बाप के ऊपर, जो बाप ने कह दिया वो मेरा है ना, वो हमने करना ही करना है, ऐसे थे। तो हम बच्चों को भी ऐसे ही बनना है, तो अपना खुद का पुरुषार्थ हमें खुद को करना है, स्व चिंतन और परिवर्तन हमें खुद में लाना है। ओम शांति।